दोस्तों आपको पता है निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश करा, तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस मुल्क में अगर आपने जीना है ना, अच्छा आप सिर्फ पैसा चलाएं। और दूसरी तरफ आप देख लें, ईयर 2024 का बजट एलोकेट किया गया है जिसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 90,000 करोड़ साइड पे रखे गए हैं। और जली ना, हाँ भाई हाँ, तो भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। बहुत बढ़िया, जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। पाकिस्तान में जरूरी दवाओं की भारी किल्लत है। हाय अल्लाह, मेडिसिन हो गई, हेल्थ हो गई, इसके ऊपर हमारा बजट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। महंगाई का दर्द अपनी जगह, लेकिन बीमारों को दवा भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैंने कहा उस्ताद यूरन बैग खाली कर दे, आया ने कहा जी हमें पैसे दे तो हम खाली कर देंगे। मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हूँ। जो चाहता है मनमाने दाम वसूल कर, कोई रोकने वाला नहीं। सलाह ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सर आप अंदर जाके देखे ना, लोग हबस में लेटे हुए हैं। हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि अवाम की जो मुश्किलात हैं, तकलीफें हैं, उनका अंदाजा तक नहीं है। क्योंकि डॉक्टर फिजा खलीफा, तुम्हारे देश के हुक्मरान हुक्मरान नहीं है, वो कठपुतली है, उनको चलाती है तुम्हारी आर्मी अपने जूते की नोक पे, और तुमको भी और तुम्हारे पूरे मुल्क को भी। ऐसे नहीं चलेगा। अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में, ठीक है जी, इंडिया कहा जा रहा है कि फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली। एल्सोलिन का मसला शुगर है, लेकिन एल्सोलिन नहीं मिल रही है, तो बुखार की दवाई थी तो वो भी नहीं दे रहे अब। क्यों? कहते खत्म हुई है बाहर से ले जाकर, बाहर से ले। मैं कहा कैसे ले हम बाहर से, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ले सके बाहर से। आप अंदर जाके देखे, मरे नवाज ने अपनी फ्लेक्स लगाई हुई है। क्या बात कर रहे हैं बाबा, क्या था फ्री अद्वियात? ठीक है, आपके पास यही दो टैबलेट ही नहीं है तो फ्रीत नहीं। अभी हैरानी होगी आपको सुनकर कि अद्वियात भी कौन सी जान बचाने वाली। अद्वियात का मतलब होता है दवाइयां, ताकि कल को हम भी कह सके कि पाकिस्तान ने बजट पेश किया और वो IMF से डिक्टेशन लेकर नहीं बना। निर्मला सीतारमण जी ने हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान का बजट पेश कर दिया। ये बजट पेश करने वाली लगातार 7वीं वित्त मंत्री है। इससे पहले आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी नहीं हुआ था कि एक ही शख्स लगातार 7 बार बजट पेश करे। कॉन्ग्रेचुलेशन। इस बजट से बहुत सारे लोग खुश है, बहुत सारे लोग ना खुश भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनकी जिंदगी में बजट आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी दुख भरे रास्तों से गुजर रही थी, वो आज भी दुख भरे रास्तों से गुजर रही है। सही बात है। उन्हीं दुख भरे रास्तों से गुजरने वाले मुल्क का नाम है पाकिस्तान। हिंदुस्तान का विशाल बजट अमाउंट देखने के बाद में इन पाकिस्तानियों की लार टपक रही है। इनको हिंदुस्तान के बजट का अमाउंट देखने के बाद में ये यकीन ही नहीं होता है कि दुनिया के अंदर इतने पैसे भी होते हैं, क्योंकि इनकी सोच वहां तक जाती नहीं है। इनकी सोच रहती है जज्बा, ईमान, आसमानी कौम, घोड़े पे बैठना, जिहाद करना, गजवा हिंद के सपने देखना, रात दिन बेहतर हूरों के ताने बाने बुनना। वाह भाई वाह। आप यकीन मानोगे, इस कौम की जिंदगी मरने के बाद ही शुरू होती है। जी तो धरती पे बोझ की तरह रहे। और खैर आ जाते हैं बजट में। पाकिस्तान में इन दिनों दवाइयों की बहुत तगड़ी किल्लत चल रही है। ऊपर से भारत का बजट देखने के बाद में इन पाकिस्तानियों को अंदर ही अंदर और तकलीफ बढ़ गई है कि हम क्या करें। एक तरफ तो जहां हिंदुस्तान के अंदर जो दवाइयां इंपोर्ट होती है उस पर ड्यूटी कम कर दी है, वहीं पाकिस्तान में जो दवाइयां इंपोर्ट होती है उसके ऊपर टैक्स और मजीद बढ़ा दिए गए। मजीद मतलब और ज्यादा बढ़ा दिए गए। बढ़ा दिए वो तो ठीक है, दवाइयां भी नहीं मिल रही है। इसी में पाकिस्तानी आवाम ने अपना दुख जाहिर किया है, जिसको सुनने के बाद आपको आएगा आनंद। तो बिना देर किए आनंद की चरम सीमा प्राप्त करने के लिए हम लोग जाते हैं पाकिस्तान। चलो भाई, गवर्नमेंट की अगर बात करें, मेडिसिन की कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? ये देखिए, अभी मैं टैबलेट लेने आया हूं। ठीक है, न्यूट्रल फोर्ड है और एक मिनट कौन सी है, ठीक हो गया। वो कहते हैं इधर से नहीं मिलती, तो ये सरकारी हॉस्पिटल से क्यों नहीं मिल रही? मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लें। ठीक है, तो अभी आप ये प्राइवेट क्लिनिक से या प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर लेने आया हूं ना, जैसे लेने आया हूं। ठीक है, क्या समझते हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज में मेडिकल के ऊपर काफी वर्क किया जा रहा है? अभी ये नेपर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया जिसमें 90,000 करोड़ सिर्फ मेडिसिन के लिए रखा है। हमारे इधर बजट आया उसके बाद मेडिसिन की कीमतों में, खास तौर पे इंपोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। टाइम तो आप देख ले कि ओवरऑल जो पूरे मुल्क में किसी चीज की समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही। ठीक है, ये सामने आपके सामने पैसा लग रहा है। ठीक है, ये साल के बाद इसने खत्म हो जाना। अच्छा, इसकी भी मेंटेनेंस नहीं रहनी। लेकिन आम आदमी को हेल्थ तो प्रोवाइड कर दी जाए। सर आप अंदर जाके देखे ना, लोग हबस में लेटे हुए हैं, उनके जो लवाही की है, जो बाहर लेटे हुए ना, इतनी हबस है। ये देखे आप, मैं तो सही। ठीक है, मैंने तो अभी अंदर से विजिट किया, वो कह रहे हैं व्हील चेयर नहीं मिल रही, कोई कह रहा है जी लेटने के लिए बैठने।
नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। एक बेड पे दो दो मरीज है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है आज, कल अल्लाह पाक ने मतलब बेटी दी है, चले मुबारक हो, खैर मुबारक। वो उस बेड पे दो मरीज है, बताए आप। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने ऑपरेट करवाया है, जी ठीक है, ये सारे ऑपरेट में कितने पैसे लगे हैं? कल जो ऑपरेट हुआ और अभी तक कितने पैसे लगे टोटल? असल में अंदर से तो मेडिसिन वगैरह के पैसे तो नहीं दिए, ठीक है, लेकिन जो बख्शिश देते रहे ना हम, ठीक है, कम से कम मैं 10-15 हज़ार दे गया। 10-15 हज़ार अंदर हॉस्पिटल में दे दिया, चले वो अपनी खुशी से या जैसे भी, जबरदस्ती के दे के जाए, ठीक है। और मेडिसिन पे कितने पैसे लगे? मेडिसिन के ऊपर तो अभी इन्होंने मेरे ख्याल जो दूध वगैरह लिख के दिया, ठीक है, उसके ऊपर 3 से 4 हज़ार रुपया लगा, ठीक है, बाकी ब्लड वगैरह दिया भी इन्होंने लिख के देनी है, वो तो फिर पता चलना है। अब ये बच्ची जो पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मुझे बताएं, हाँ यही कहने लगा, 40 हज़ार उसने आने का टैक्स दे दिया इस दुनिया में। उसके बाद अब जब वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर हजारों रुपए टैक्स है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट। सर मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट को छोड़े आप, ये आवाम खड़ी है ना, बिल्कुल ये आज खड़ी हो जाए बाहर, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश में जो इसमें, सर जी आप वैसे भी मर रहे हैं, महंगाई में मर रहे हैं, मेरे घर के अंदर एसी नहीं चलता, 28 हज़ार बिल आया, 28 हज़ार रुपया बिल आया बगैर एसी के, बगैर एसी। आप बताएं मुझे, आप ठीक है, चार पंखे हैं, चार लाइटें हैं, आप जॉब क्या करते हैं, बिजनेस? मेरा अपना काम है, तो मेरी चीखें नहीं कर रही है, और जो आपके पास आ रहा है, होंगे या मैं उनको देख के मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं जुल्म नहीं कर रहा आपके साथ, ये सिचुएशन है। और फिर बड़ी बात ये देखें, ये भाई से बात करके खुशी इसलिए हुई है, कम अज कम इन्हें अवेयरनेस है, इन्होंने बोला है, बहुत से लोग बोलते नहीं कि यार ठीक है, मतलब हमें बोलने का क्या फायदा, आपको लगता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं है? सर है, तभी तो आपको पकड़ते रात को आके, तभी तो आपके घरों में घुसते हैं वो, इसको पकड़ लो, इसको सर्च करो, ये कहाँ बोल रहा है। आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में इस टाइम देखें, उनके सिर्फ ये था कि भाई आपने जो 20% या 30% बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था मुलाजमीन के हवाले से, उसको कम करें या बढ़ाएं, इसके ऊपर लोग सड़कों पे आ गए। नेबर कंट्री इंडिया है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया, यानी कि और इंपोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। आप अंदर जाके देखे, मरीन नवाज ने अपनी फ्लैक्स लगाई हुई है, अच्छी बात है ना। जब मैं ये पर्ची लेके खड़ा हुआ ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे लगाऊं इसके ऊपर, फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ था फ्री अद्वियात, ठीक है, आपके पास यही दो टैबलेट ही नहीं है तो फ्रीयत नहीं। अभी ये ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग समझेंगे कि भाई शायद अपने पास से कह रहे हैं, या खुद भी चले हैं भाई जान, मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है? नहीं भाई अभी लेके आ रहे, कोई चीज नहीं मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों को देख रही? सर वो कुछ नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमने अपनी याशी पूरी कैसे करनी है, ठीक है, वो आपको भेड़ बकरी समझती है और आप बने हुए हैं। मेडिसिन हो गई, हेल्थ हो गई, इसके ऊपर हमारा बजट क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या वजह है, गवर्नमेंट इस पे पैसे क्यों नहीं लगा रही? ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए, वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ, मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही, ठीक है। हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ, एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ, ठीक है। आप थाने चले जाएं, अगर आप मेरे खिलाफ केस ले गए हैं, ठीक है, अब उनको ये पता लो जब दिहाड़ी आ गई है, ठीक हो गया, 2000 यहाँ से 2000 यहाँ से, जो केस लेके गया पहले तो वो पैसे देगा इस मुल्क में, अगर आपने जीना है ना, अच्छा आप सिर्फ पैसा चलाएं भाई, पैसा चला तो ले, पैसा लाएं कहाँ से, पैसा नहीं चलता यहाँ पे, कुछ खुशामद चलती है। सर एक मिनट मुझे ये बताएं, ये सरकारी अस्पताल है ना? जी बिल्कुल, ये पर्ची देख रहे हैं आप, ये छोटा सा इंजेक्शन है, ये पहला नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं तकरीबन 33-34 लेके जा चुका हूँ एक एक इंजेक्शन के लिए, मैं वहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी कीमत है इसकी? ये तो आप लूंगा तो पता चलेगा ना सर। ठीक हो, मुझे बताएं आप यहाँ किसके साथ, अपने भाई, अपने सिस्टर, अपनी सिस्टर के क्या मसला है उन्हें? सर्जरियन हुआ है आज, ठीक है, तो अंदर का जो अमला है बैंक, ब्लड बैंक वाले, वो बहुत ही बदतमीज इंसान है, उन्होंने आज सुबह हमें इतना जलील किया है। अच्छा, और नहीं ये सरकारी हॉस्पिटल यानी तो मेरा और आपका हॉस्पिटल है ना, हम पब्लिक का हॉस्पिटल है, तो ये तो वो उन्होंने हमें ब्लड नहीं दे रहे थे, हमने खुद जमा करवाया, 2 मिनट पहले जमा करवाया और 2 मिनट बाद हमने कहा कि हमें ब्लड चाहिए, उन्होंने ब्लड नहीं दिया। मेरे भाई के साथ इतनी उन्होंने लड़ाई की, हमें उन्होंने इधर बहुत देर तक तंग किया, मेरी अंदर सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था और इन्होंने हमें नहीं दिया, और इधर जितने भी लोग हैं सब कहते हैं जी पैसे दो, ये अभी मैं अपने भाई से 100 रुपया लेके आई हूँ, मैंने कहा उसका यूरन बैग खाली कर दे, आया ने कहा जी हमें पैसे दे तो हम खाली कर देंगे, मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हूँ लोगों को। तो इन पाकिस्तानियों का दुख कभी खत्म हो नहीं सकता है, जिस दिन इन पाकिस्तानियों का दुख खत्म हो जाए समझ लेना पाकिस्तान मुल्क ही खत्म हो गया है। और बहुत सारे भाई लोग ये बोल के जाएंगे ये परेशानियां तो हमारे हिंदुस्तान में भी है, बिल्कुल है भाई मैं मानता हूँ, और इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान भी एक विकासशील देश है, हम हमारी गलतियों से सीखते जा रहे हैं, उसमें सुधार करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर हमारे देश में भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यही मुद्दा नहीं और भी बहुत सारे मुद्दों पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और खासतौर से हम नागरिकों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, और कुछ नहीं तो रोड पर तो
नियम कायदे से चल लिया करो, ट्रैफिक सिग्नल का पालन कर लिया करो, रॉन्ग साइड गाड़ी मत चलाया करो, लाल बत्ती देख के रुक जाया करो। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे और देश के उत्थान के लिए अपनी भागीदारी जरूर दे। आप लोगों को क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।